इसी बीच बड़ी खबर क्यों रुक कर लेते हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि एलजेपी में टूट हो सकती है। जी हां, क्योंकि अटकलें तो पहले से ही लगाई जा रही थी, सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि एलजेपी में टूट हो सकती है। हाजीपुर सांसद पशुपति पारस ने जेडीयू के बड़े लीडर ललन सिंह से मुलाकात किया है, तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि देखिए जिस तरह से ये मुलाकात हुई है ललन सिंह से, तो ये मुलाकात के बहुत कुछ मायने हैं। एलजेपी के सभी सांसदों ने पशुपति पारस को अपना नेता माना है, तो बहुत बड़ा झटका कहा जा सकता है एलजेपी के लिए। एलजेपी में चिराग पासवान अकेले पड़ जाएंगे, ये बहुत अहम सवाल। आपको बता दें कि देखिए कई ऐसे नेता हैं जो पहले से ही नाराज चल रहे थे और उन्होंने पहले ही चिराग पासवान का साथ छोड़ दिया था, क्योंकि जिस तरह से बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ और उस विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर एनडीए का हिस्सा थे एलजेपी, और उसके बावजूद सीधे तौर पर निशाना साधा जा रहा था जेडीयू पर, और अब कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी फूट हो सकती है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं फोन लाइन से। रुपेंद्र, देखिए अगर बात कर ले एलजेपी की, तो ये तो पहले से ही तय माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं एक फूट है। अब ये खबर आ रही है कि देखिए चिराग पासवान तो अकेले हो जाएंगे, क्योंकि तमाम जो सांसद है अगर पशुपति पारस को अपना नेता माना है, तो क्या समझा जाए जो ये कही जा रही है कि ये मुलाकात किया गया है और वो भी जेडीयू के बड़े लीडर से, तो क्या समझा जाए, क्या वाकई अब चिराग पासवान के लिए बहुत मुश्किल कहा जा सकता है? देखिए चिराग पासवान के लिए बहुत ही मुश्किल की घड़ी अभी है। दूसरी चीज बता दें कि जब से ये पशुपति पारस को जो है दलित सेना का अध्यक्ष बनाया गया, उस समय से ही पशुपति पारस कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे और पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक जो है वो नहीं चल रहा था। और उसी समय से बात की जाए तो वो दौर था कि उस समय जो स्थिति थी, तो कहीं ना कहीं जो है उस समय आपको जो विधायक थे उन्होंने बोला था कि चिराग पासवान से मेरी नाराजगी है और उन्होंने कभी हमें नेता नहीं समझा, विधायक नहीं समझा, तो उन्होंने जेडीयू को ज्वाइन कर लिया था उनके विधायक ने, तो नाराजगी काफी तल्खियां जो बढ़ती गई। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब भी पशुपति पारस जब पटना आया करते थे तो जेडीयू के बड़े लीडरों के टच में रहते थे। इधर तीन दिन जो है वो बिहार में रहे हैं और तीन दिन बिहार में जब रहे हैं तो जेडीयू के बड़े नेताओं के टच में रहे हैं, और उसके बाद जब वो दिल्ली गए हैं, दिल्ली में जाने के बाद जो है एक मीटिंग हुई है, और अंदर खाने से ये खबर है कि जो नेता जो है पशुपति पारस को जो है वो मान लिया गया है। कुछ दिन पहले, दो तीन महीना पहले ही ये अंदर खाने से खबर आ रही थी कि पशुपति पारस जो है वो आपको पी लोजपा बना सकते हैं, लेकिन उस समय तक पुष्टि नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब जो है फिगर जो है धीरे धीरे साफ हो रहा है और कहीं ना कहीं अब चिराग पासवान जो है ये अब अकेले हो जाएंगे, और ये महज अब यूं कहें तो कुछ घंटे, ये एक दो दिन में ही ये सारा जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब भी जो है ये साफ हो गया है कि एलजेपी में टूट होना जो है वो तय है। बिल्कुल रुपेंद्र, अहम बात कही आपने कि देखिए ये तो अब तय माना जा रहा है कि एलजेपी में कहीं ना कहीं अब टूट होना तय है। अब देखना होगा कि देखिए चिराग पासवान की बात कर ली जाए तो वो आगे क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि बहुत कहा जा सकता है ये मुश्किल भरा वक्त। आप ये समझिए कि जिस तरह से नाराजगी देखी जा रही है पार्टी में, तो ये अब वक्त ही बताएगा कि आगे अब चिराग पासवान किस तरह से फैसला लेते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।